हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आरईआर की सीरीज, जिसमें यूनिट 4 के पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे थर्मो इलेक्ट्रिक कन्वर्जन के बारे में। तो ये रहा सिलेबस। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ टर्म हैं जिनको हम जान लेते हैं, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर क्या होता है और ये किन्हें बनाया था। ठीक है, तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू अ क्लास ऑफ फिनोमेना इन विच टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब आप थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे और इलेक्ट्रिसिटी से थर्मल पावर जनरेट करोगे। ठीक है, आगे देखेंगे अच्छे से इसे। और थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर क्या होता है, इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। ये एक डिवाइस होती है जो कि कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, ये होती है सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल होता है, उस पे बेस्ड होती है। इसको अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि सीबेक इफेक्ट क्या होता है। और ये पायनियर नाम के एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, इन्होंने ये इफेक्ट दिया था। ठीक है, उसके बाद में एक और साइंटिस्ट हुए पेल्टियर नाम के, उन्होंने पेल्टियर इफेक्ट दिया था। बस इतनी ही इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा हम नहीं जानते। मुद्दे की बात पे आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि सीबेक इफेक्ट होता क्या है। व्हेन द जंक्शन ऑफ टू डिफरेंट मेटल, मतलब दो मेटल लोगे आप जो कि अलग अलग होने चाहिए, सेम मेटल नहीं होने चाहिए। ठीक है, आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर, द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इज नन एज सीबेक इफेक्ट। देखो, आपके दो अलग अलग मेटल हैं। ठीक है, इसको मान लिया कॉपर है, इसको मान लिया ये लोहा है। ठीक है, तो इनके बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा अगर हम इन दोनों डिसिमिलर मेटल्स को अलग अलग टेम्परेचर पे रखते हैं। अलग अलग टेम्परेचर मतलब एक का हाई टेम्परेचर रखेंगे, एक का लो टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, तो यही इसमें लिखा है। और दूसरा है पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट को समझ लेते हैं। पेल्टियर इफेक्ट होता है सीबेक इफेक्ट का उल्टा होता है। सीबेक इफेक्ट में क्या था कि हम एक को मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे दो डिसिमिलर मेटल रख रहे थे जिससे हमें पावर मिल रही थी। इसमें क्या करते हैं, हम इसमें पावर देते हैं जिससे हमें दो जगह पे अलग अलग टेम्परेचर मिल जाता है। ठीक है, जैसे ये है, हमने फिर से इसे रेड वाले कॉपर मान लो, इसे एफी मान लो, तो किसी एक में हमने इसे एफी को काटा बीच में से, इसमें हमने करंट दे दिया, इसे पॉजिटिव टर्मिनल दिया, इसे नेगेटिव दिया। जो बड़ा वाला लाइन होती है इसे पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि जिधर इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो सबसे पहले जो जंक्शन मिलेगा इसे, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो जंक्शन होता है वहां पे हीट ऑलवेज एब्जॉर्ब होगी, यहाँ पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा। और जो निगेटिव टर्मिनल के पास का होगा वहां पे हीट क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ये तो यही होता है पेल्टियर इफेक्ट। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, उससे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर डिफरेंस जनरेट कर रहे हैं। और सीबेक इफेक्ट में क्या था, सीबेक इफेक्ट में हम टेम्परेचर डिफरेंस दे रहे थे, उससे हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अब थॉमसन इफेक्ट की बात कर लेते हैं। हीट इज एब्जॉर्ब और प्रोड्यूस्ड व्हेन करंट फ्लो इन मटेरियल विद अ सर्टेन टेम्परेचर ग्रेडियंट, द हीट इज प्रोपोर्शनल टू बोथ दिस इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट, दिस इज नन एज द थॉमसन इफेक्ट। मतलब एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये एक आपकी रॉड है, ठीक है, ये अलग अलग टेम्परेचर पे है। मतलब यहाँ का टेम्परेचर इसका टी है, यहाँ का टी प्लस डेल्टा टी है, यहाँ का टी माइनस डेल्टा टी है। ठीक है, अब अगर हम इसमें मतलब करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो जहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है या है वहाँ वहाँ पे या तो हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट गेन होगी। तो यही है थॉमसन इफेक्ट, कि अगर हम किसी भी मतलब मेटल में मटेरियल में करंट फ्लो कराते हैं तो अगर जहाँ जहाँ टेम्परेचर का वेरिएशन है वहाँ पे हीट या तो एब्जॉर्ब होगी या फिर गेन होगी। अब बात कर लेते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कन्वर्जन है किसका, इलेक्ट्रिक वोल्टेज का हीट डिफरेंस में या फिर हीट डिफरेंस का इलेक्ट्रिक वोल्टेज में। इसको एक फिगर से समझाता हूँ मैं आपको। इससे पहले हम समझ लेते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स कौन से होते हैं।
देखो थर्मो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो देख लूँ। लार्ज सीबेक कॉफिशेंट, तो इसका सीबेक कॉफिशेंट है काफ़ी हाई होना चाहिए। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। लो थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कम से कम होनी चाहिए। अब इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे बिस्मिथ टेलोराइड, लेड टेलोराइड, सिलिकॉन जर्मेनियम, बिस्मिथ एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है? SB। ठीक है, तो ये तो मटेरियल हो गया थर्मो इलेक्ट्रिक। अब मैं इस एग्जाम्पल पे चलता हूँ, मतलब इसके फिगर पे चलता हूँ, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर के। इसमें क्या लिखा है? थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सीबेक इफेक्ट। ठीक है, सीबेक इफेक्ट क्या था? यही था, दोनों टेम्परेचर डिफरेंस से हमें क्या मिल जाएगा? करंट मिल जाएगा। व्हेन द जंक्शन ऑफ द टू डिफरेंट मेटल आर मेंटेन्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर द EMF इज प्रोड्यूस्ड इन सर्किट। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर पे हम डिफरेंट मेटल को अगर रखते हैं तो क्या होता है? EMF प्रोड्यूस हो जाता है, फिर जनरेट हो जाता है सर्किट में। ये हमारा फिगर है, इसमें क्या है? यहाँ पे एक हॉट जंक्शन है, ठीक है, ये हमने कॉमन रख लिया दोनों के लिए क्योंकि इधर से हमें सप्लाई नहीं लेनी। ठीक है, तो ये हीट इनपुट है, मतलब हॉट जंक्शन है, और इस साइड में कोल्ड जंक्शन है। दोनों टाइप के जो मटेरियल हैं हमारे, एन टाइप और पी टाइप, डिसिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो एक एन टाइप का लिया, एक पी टाइप का लिया, दोनों टाइप का ये कोल्ड जंक्शन है, ठीक है, ये हॉट जंक्शन है। अब क्या होगा? जो पी टाइप होगा, इधर से क्या आएंगे? होल, यहाँ से इमिट होंगे होल, यहाँ से जनरेट होंगे, यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी दोनों साइड में। और इधर से क्या आएंगे? जो ठंडा वाला है, इधर से आएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ से इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इधर से होल फ्लो होंगे, इससे यहाँ पे लोड जो है हमारा वो चल जाएगा। यही होता है हमारा थर्मो इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर। अब इसकी वर्किंग वर्किंग अभी समझाई है, फिर से समझ लो। यहाँ पे हॉट साइड है, अगर एन टाइप का सेमीकंडक्टर लगाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, पी टाइप का है तो होल मतलब इमिट होंगे, और फिर यहाँ से इस साइड में आएगा और एक कोल्ड साइड में से फ्लो होते हुए जो भी हमारा वोल्टेज यहाँ पे देगा, यानी यहाँ पे लोड लगा लेंगे और ये वापस जाके हॉट साइड में मिल जाएगा। ये इसकी वर्किंग होती है। तो अ सिंगल PN जंक्शन कैन प्रोड्यूस अ सीबेक वोल्टेज ऑफ 40 मेगावाट। 40 मेगावाट मतलब काफ़ी हाई वोल्टेज ही जनरेट कर सकता है। द हीट सोर्स सच एज नेचुरल गैस और प्रोपेन आर यूज टू रिमोट पावर जनरेशन। जहाँ पे हमारी नेचुरल गैस अवेलेबल है या फिर प्रोपेन अवेलेबल है तो वहाँ पे हम उसको यूज़ करते हैं हीट सोर्स के रूप में। बाकी नॉर्मल इन्वायरमेंट को हम ठंडे के रूप में करते हैं, इनके जैसे जो टेम्परेचर डिफरेंस मिलता है उससे हम ये अपना सिस्टम चला लेते हैं। अब इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। पहला, इजी मेंटेनेंस। इनका मेंटेनेंस बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्ट होते ही नहीं है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, कोई पोल्यूशन नहीं होता, इको फ्रेंडली। ठीक है, कम्पैक्ट एंड लेस वेट, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट होते ही नहीं है तो कम्पैक्ट और लेस वेट रहता ही है। हाई रिलायबिलिटी, मतलब ख़राब होने की चांस बहुत बहुत कम होते हैं। अगेन वही रीजन की इक्विपमेंट बहुत कम होते हैं और जो भी होते हैं वो सब स्टेटिक पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं अगला एडवांटेज, जैसे नो नॉइस, आवाज बिल्कुल करता नहीं है और जीरो ग्रेविटी में काम करता है। इसीलिए इसे जब हम बाहर जाते हैं पृथ्वी से तब इसको एरोस्पेस में इस्तेमाल करते हैं। कन्वीनियंट पावर सप्लाई, और जो इसकी पावर सप्लाई है वो डायरेक्टली DC में मिलती है तो हमें अलग से चेंज इसे नहीं करना पड़ता। अब इसको एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, इसने क्या किया है। ये थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर यहाँ पे लगाया है साइलेंसर में, साइलेंसर की जो हीट होती है उससे हॉट सोर्स निकाला है और जो इन्वायरमेंट है उससे कोल्ड ले लेगा, उससे जो टेम्परेचर डिफरेंस बनेगा उससे उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है और उससे जला क्या रहा है, उससे लाइटें जल रही हैं। इसकी लोड क्या है? LED लाइटिंग का, ये साइलेंसर के पीछे लगा हुआ ये बल्ब फोटू है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको, रियल लाइफ का एप्लीकेशन है ये। सो थैंक्स मेरे साथ बने रहने के लिए। आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और इसकी PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।